पीछे कौन हो रहा है बता रहा है। आप देखिए झारखंड की बात कर लेते हैं, खूंटी से यहाँ पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा फिलहाल आगे चल रहे हैं 21,310 वोट से। कालीचरण मुंडा जो है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में कांग्रेस फिलहाल यहाँ से आगे है, बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के अर्जुन मुंडा को 49,879 वोट फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं। खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बिहार और झारखंड मिक्स करके आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप यादव ये आगे चल रहे हैं गोड्डा से कांग्रेस फिलहाल आगे है। निशिकांत दुबे पीछे है। जूरी जी प्रदीप यादव 2,755 वोट से आगे चला आ रहे हैं। अब तक उनका बड़का अपडेट सभा की बता दें, गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन आगे चला आ रही। उपचुनाव होता गांडे विधानसभा सीट पर, वजह से कल्पना सोरेन आगे चला आ रही। लगभग 5,000 वोट से अभी कल्पना सोरेन के बढ़त बनल बैठे। गांडे विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट हटे, जब विधानसभा के चुनाव होता उपचुनाव होता है, जैसे कल्पना सोरेन जी की हेमंत सोरेन की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो अभी आगे चला रही गांडे विधानसभा के उपचुनाव में। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं विवेक हमारे साथ सहयोगी बने हुए। विवेक चलिए भोजपुरी और हिंदी जहां जिस बोली में आप समझना चाहेंगे उस बोली में हम समझाने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम जरा बात कर लेते हैं, अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड बातें चल रही थी उसको ऑन द रिकॉर्ड हम लोग नहीं लाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि क्या मन में अब क्या चल रहा है जरा ये बताइए। मन में कुछ नहीं चल रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार के जो फाइनल रिजल्ट आएंगे बिल्कुल चौंकाने वाले आएंगे। किसी को विश्वास नहीं होगा, हारने वाले को भी और जीतने वाले को भी। हालांकि जीतने वाला दावा करेगा कि हमारी ये प्लानिंग थी, लेकिन जो सबसे बड़ा चुनौती और चिंता दोनों दिखाई पड़ रही है वो एनडीए को दिखाई पड़ रही है, एनडीए के लिए है। ये झटका है, आप 400 पार की बात करते, देखिए इंडिया ब्लॉक 227-230 तक पहुँच जा रहा है। दूसरी बात कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बनारस में जहाँ प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 6,000-10,000 वोट से आगे जा रहे हैं या 25,000 वोट से मोदी जी, और गांधीनगर में अमित शाह जी हैं 1,50,000 वोट से हैं। समय वही है 10:30-11 ये, और बीजेपी के लिए शिकस्त और चुनौती अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अभी शिकस्त नहीं बोला जा सकता। शिकस्त तो तब जब आखिर में परिणाम आ जाए, लेकिन मूल बात इन्होंने जो कह दी कि हिंदी पट्टी का रिजल्ट चौंकाने वाला रहेगा यह हम लोगों को अंदेशा था। उसका कारण है कि हिंदी पट्टी के जो लोग हैं वो ज़्यादा आक्रामक होकर इस बार सामने आ गए, और भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने हिंदी पट्टी में वह अपेक्षित परिश्रम नहीं किया जो करना चाहिए था। दूसरा, हिंदी पट्टी के लोगों में जो असंतोष था उसको थामने का प्रयास स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए, लेकिन जो असंतोष था उसको उनके विरोधियों ने, कांग्रेस ने, सपा ने बढ़िया से भुनाया। बिहार में यही काम आरजेडी नहीं कर सकी, इसलिए आरजेडी को बिहार में ज़्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने वह काम किया और उसका फायदा उसे दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर भटक गई बीजेपी? भटकाने की कोशिश तो उन्होंने कई बार की होगी। निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारी चीज़ें रही, कई कारण है इसमें, इस जो परिणाम को हम देख पा रहे हैं। बिहार के संदर्भ में एक अच्छी बात है, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पिछड़ रही है तब बिहार ने नरेंद्र मोदी को झोली भर के दिया, अभी तक जो रुझानों में हम देख रहे हैं। पर एक और नई बात है कि जब पूरे देश में वामपंथ विहीन सदन हो गया था उस वक्त में बिहार से सदन में वामपंथ के प्रतिनिधि के पहुँचने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और एक और बड़ी बात, जो जमे जमाए बड़े नेता दिल्ली से गढ़े गए थे जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, आज वो ज़मींदोज होने की स्थिति में, आरा में आर के सिंह को देख लीजिए, नित्यानंद राय को देख लीजिए, गिरिराज सिंह को देख लीजिए, या तो जिनकी ज़मीन नहीं थी या जो ज़मीन से कट गए थे वो ज़मींदोज होने की स्थिति में है। ये बीजेपी के लिए सोचने का वक्त। एक, एक, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम जरा स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, लक्ष्मी की तरफ, एक बड़ी खबर के लिए। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जमुई से अरुण भारती आगे चल रहे हैं जो कि जीजा हैं चिराग पासवान के, ये 8,327 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। इधर शिवहर की बात करें तो यहाँ पर लवली आनंद आगे चल रहे हैं, लवली आनंद 15,105 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल जो है वो आगे चल रहे हैं, जमुई से अरुण भारती चिराग पासवान की जीजा जी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, और सिग्रीवाल 28,710 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। पटना साहिब की बात करें तो यहाँ रविशंकर प्रसाद अब आगे हो लिए रुझानों में, रविशंकर प्रसाद 16,520 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आलोक कुमार सुमन 33,585 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। झारखंड की बात करते हैं, इधर देखिए धनबाद में बीजेपी के ढुलू महतो आगे चल रहे हैं, ढुलू महतो
22,528 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और धनबाद से दूसरे राउंड में बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी के ढुलू में तो फिलहाल रुझानों में आगे दिख रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुमका से बीजेपी की सीता सोरेन भी आगे चल रही है और लगातार बढ़त बनाई हुई है। और आप देख रहे हैं सीता सोरेन 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। सीता सोरेन को 49,260 वोट से फिलहाल आगे हैं और नलिन सोरेन को अब तक 40,520 वोट मिले हैं। दुमका से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही है। विवेक, बिल्कुल ये आगे पीछे का भी गेम होगा, लेकिन जो एक बीच में गैप है हम देख पा रहे हैं ये अभी ज़्यादा नहीं है। अभी जो एक बड़ा एक मार्जिन की बात करते हैं रुझानों में ही, ये मार्जिन बहुत कम है। देखिए अभी हम लोग जो है बिहार में 5 सीट से लोजपा रामविलास इलेक्शन लड़ रही है और 5 सीट पे हम लोग आगे चल रहे हैं। और हमारे जो जमुई से कैंडिडेट हैं अरुण कुमार जी, वो 89,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये मार्जिन यदि आप देख सकते हैं कि हमारा मार्जिन काफ़ी अच्छा है। और चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बिहार में काफ़ी काम किया, बहुत जगह सभाएं की, बहुत लोगों से मिले और हम लोग भी खुद पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। तो उसका रिजल्ट दिख रहा है कि हम लोग काफ़ी मार्जिन अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। बाकी जहाँ तक एनडीए का भी बात है, एनडीए भी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अभी तो इनिशियल रुझान है और मुझे लगता है कि एक घंटे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए एक घंटे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन झारखंड की तरफ रुख करना होगा। एक बार फिर से जरा झारखंड की तरफ रुख करते हैं। इसी बोर्ड पर हमारे साथ सारे मेहमान यहाँ पर जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जरा जानने की क्या लग रहा है। फिर से हम तनुज खत्री से ही शुरू करते हैं। तनुज खत्री, जो स्थिति है उसमें तो भाई अभी जो मार्जिन है, मार्जिन पर अब बात हो रही है क्योंकि धीरे धीरे ये नंबर्स जो है बोल्ड हो जाएंगे और उन्हें हिला पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो ठीक है, ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। अभी आपके पास क्या इनपुट है, हम देखते हैं कि बराबर आप लोग भी मोबाइल देखते हैं, क्या लग रहा है आपकी मोबाइल पर, क्या कुछ हमसे अलग आ जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, आपसे कई बार बहुत चीजें अलग आ रही हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हारने जा रहे हैं, अर्जुन मुंडा हार की तरफ बढ़ चुके हैं, इनके बड़बोले सांसद गोड्डा से वो हार की तरफ बढ़ चुके हैं और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए विवेक जी कई बार अदर सोर्सेस को भी देखना जरूरी हो जाता है लंबी चर्चा के दौरान, और उससे यही निकल करके आ रहा है कि जनता ने जिस प्रकार से, झारखंड की जनता ने जिस प्रकार से एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके जेल में रखने का काम किया गया, सिर्फ एक दिन की उनको मोहलत मिली। कहां ये तो झूठ और सच का खेल जो है, क्या ये आम जो जनता है वो समझ नहीं पा रही है? ठीक है, अगर पुलिस भी पैसे पकड़ती है तो दस्तावेज मांगती है कि भाई ये प्रूफ करना होगा आपको कि ये पैसे आपके हैं कि नहीं, लेकिन ये चीजें अभी भी चल रही हैं। तो हमें जरा बताइए ये कहीं ना कहीं उन बातों की तरफ इसे मोल्ड करना कहेंगे या फिर चलिए तुच्छ बात है छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जो एजेंसीज हैं वो जांच करती हैं और एजेंसीज अपने जांच में जो सच्चाई पाती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करती हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। आवेश में, भावावेश में, आवेग में कोई टिप्पणी कर देना अच्छी बात नहीं है। अभी जो स्क्रीन पे जो रुझान आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से भी टिप्पणी अभी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान है, दूसरा तीसरा चरण चल रहा होगा काउंटिंग का, लेकिन 1 बजे के आसपास सारी चीज़ें लगभग सेटल हो जाएंगी, उसके बाद कोई स्पष्ट टिप्पणी की जाए तो बेहतर होगा। हाँ, ये मनोज, 2019 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है, बिल्कुल ऐसी ही जगह थी, इतनी ही लाइट्स कैमरे एक्शन की बात चल रही थी और यही सवाल था, लेकिन इस बार आप वो कह रहे हैं जो विपक्ष को कहना चाहिए था। बिल्कुल बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें, बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, 2389 वोट से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं और भोजपुरी में खबर बताने के लिए हमारे सहयोगी जुली भी हमारे साथ है। जी लक्ष्मी, जैसे कि रहो बताई नहीं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चला तरह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार एक हरी आगे चला तरह, 23,089 वोट से गिरिराज सिंह आगे चला तरह, नालंदा की बात करी जाए तो कौशलेंद्र कुमार जैसे आगे चला तरह। ये बड़का अपडेट बा अभी के, लगातार जोन उम्मीदवार बने कभी आगे कभी पीछे होत रहा था। फिलहाल की अगर बात समस्तीपुर की बात करी जाए तो शांभवी चौधरी आगे चला तारी 70,000 से ज्यादा वोट से, उजियारपुर से नित्यानंद राय आगे चला तारे, एक अलावा आगे भी अपडेट देखा था जो लगातार। तो बिल्कुल जूली, ये रुझान की बात कर रहे हैं, हजारीबाग में बीजेपी आगे है, दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है।
बीजेपी के मनीष जायसवाल भी आगे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। मनीष जायसवाल 27,767 वोटों से फिलहाल आगे दिख रहे हैं। मनीष जायसवाल को 63,211 वोट मिले हैं और मिलते हुए दिख रहे हैं। रुझानों की बात कर रहे हैं, पलामू में बीजेपी 57,446 वोट से फिलहाल आगे बढ़त बनाते हुए दिख रही है। इधर देखिए तीसरे राउंड की काउंटिंग में बीजेपी फिलहाल आगे है। जूली विष्णु दयाल राम की बात करी जाए तो वह इधर आगे चला था। आरजेडी के ममता भुइया के 75,000 से ज्यादा वोट मिलल बा। विष्णु दयाल आगे चलाता रहे 57,000 से ज्यादा वोट से। पलामू में बीजेपी 57,000 से ज्यादा वोट से आगे इघरी बाटे। तीसरा राउंड के वोटिंग में अभी विष्णु दयाल आगे चलाता रहे पलामू से। लक्ष्मी बिल्कुल तीसरे राउंड की काउंटिंग की बात कर रहे हैं, रुझानों की बात, जिसमें कि विष्णु दयाल राम जो है 57,446 वोट से फिलहाल आगे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। विवेक डॉक्टर मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मनोज अभी तक का जो हाल है स्क्रीन पर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी टकटकी लगाकर बैठे हैं और हम बराबर कह रहे हैं बिहार हो या झारखंड हो या पूरा देश हो, जो एक रास्ता आप लोगों ने पकड़कर रखा उसे आप छोड़ने को तैयार नहीं हुए। और ये बात बीजेपी भी मान रही है कि आप लोग रोजगार, बेरोजगारी, इन सब चीजों से बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे नहीं हटे और इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, इस फैक्टर को कैसे आप देख रहे हैं? चित रूप से जनता जो स्थिति को देख चुकी 10 साल के शासन काल में और उसी के अनुसार जनता मतदान की है। और आप देख रहे हैं सामने 400 पार कहा हुआ, 400 पार का पिछले चुनाव में ऐसे रघुवर सरकार में लोग करते थे, 65 पार समाप्त हो गया। इसलिए इस बार भी वही होगा, एनडीए हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें झारखंड में आप दिखा रहे थे 12-2, अभी 6-8 पे आ गया। बिहार में वही स्थिति, पूरे देश में अगर आप देखें, अगर यूपी में देखें तो वही स्थिति है। इसलिए जनता बहुत समझ सोच करके मतदान की है, चूँकि देश के जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, त्रस्त थी जनता देश की। ठीक है, हम आते हैं ऋषिकेश सिंह से भी बातचीत करेंगे, कांग्रेस के लीडर हैं, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, प्रवक्ता।